शहबाज खान सर लंबे समय से बीमार चल रहे हैं, जिसके कारण उनके क्षेत्र के काफी काम रुके हुए हैं। वही सांसद की धर्मपत्नी किरण चोपड़ा लगातार क्षेत्र का दौरा करती रहती है। इसी के मद्देनजर किरण चोपड़ा सोमवार को पानीपत के गांव सिवाहा पहुंची। बता दें गांव सिवाहा को सांसद ने गोद लिया हुआ है। किरण चोपड़ा के गाँव पहुँचने पर लोगों ने उनका स्वागत किया और सांसद के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। इस अवसर पर किरण चोपड़ा ने गाँव में विकास कार्य को लेकर ग्रामीणों को आश्वासन दिया। इस दौरान किरण चोपड़ा ने सांसद निधि से सरकारी स्कूल के भवन का सुंदरीकरण, गांव में पीएचसी व आंगनबाड़ी के नए भवन का उद्घाटन भी किया। आगे से बहुत ठीक है, आप सबकी प्रार्थनाओं से, पूजा पाठ से सर बिल्कुल ठीक हो रहे हैं और दो तीन हफ्ते में बिल्कुल ठीक हो जाए। आज की का किया है सिवा गाँव जो हमने गोद लिया हुआ है। इस गाँव के जो सरपंच जी हैं, कल्याण जी हैं, बहुत मेहनती व्यक्ति हैं और गाँव के लोग बहुत अच्छे हैं। सभी जातियों से, सभी धर्मों से लोग हैं, इसलिए हमें ये गांव बहुत अच्छा लगता है। और एमपी साहब को ये दिल से प्यारा है गांव, वो चाहते हैं ये दुनिया का बेस्ट गांव बने। तैयारियां तो वो करता है जो कभी कोई काम नहीं करता, जो हमेशा काम करते हैं उनको तैयारी की जरूरत। एक बड़ा क्वेश्चन लगाया कि लोग बड़ी बातें कर रहे हैं कि इस बार टिकट की उम्मीदवार कोई और होगा, क्या आपको लगता है कि आप इस बार यहीं से लड़ेंगे? अभी हमने इस बारे में ना सोचा ना इस बारे सुनते हैं, क्योंकि हमारी कमिटमेंट है लोगों के प्रति, जींद के चुनाव के लिए क्या कहना है? जींद के चुनाव के लिए अपनी पार्टी के जो खड़े हुए हैं, चाहते हैं कि अच्छी विजय प्राप्त। ब्यूरो रिपोर्ट प्रथम पहल।